स्वागत है आपका एक्सक्लूसिव जिंदगी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एडसेंस से रिलेटेड चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया है और ऐसा एरर आ रहा है, मतलब आपने जो वेबसाइट अप्लाई किया था एडसेंस में, एडसेंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है ये बताकर कि वैल्यूबल इन्वेंट्री नो कंटेंट है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एरर आता कब है ये जान लेते हैं। ये एरर तब आता है जब आपकी वेबसाइट पर कंटेंट की कमी होती है या फिर ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की कमी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने वेबसाइट ये सबमिट किया था उस पर मैंने कंटेंट बहुत कम लिखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेबसाइट पर कितना कंटेंट है। तो यहाँ इस वेबसाइट पर मैं जाता हूँ और पोस्ट पर मैं जब मैंने क्लिक करा तो मैंने सिर्फ इसमें 5 पोस्ट लिखे थे, और आपको पता है 5 पोस्ट पर एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देता। तो मैंने जानबूझकर इसे अप्लाई कर दिया था ताकि मैं आपको इस ये वीडियो बना सकूं। तो आपको ये एरर इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर, और हर एक पोस्ट को अपने गूगल वेब मास्टर में इंडेक्स करना होगा। गूगल वेब मास्टर टूल में जाकर उसे इंस्पेक्ट करना होगा, मतलब उसे उस पर डालना होगा। और दूसरी बात, आपने इमेजेस का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज करना है। इमेजेस जो यूज करेंगे वो आपने पिक्साबे से ले सकते हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हैं, और जो इमेज होगी उस पर अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, तो उससे गूगल को लगेगा कि हाँ इसने मेहनत की हुई है। और जो आपने आर्टिकल लिखना, कम से कम 1,000 वर्ड का तो मिनिमम लिखना ही है, और कम से कम 20-25 आर्टिकल लिखकर डालना है, नहीं तो आपकी साइट कभी भी एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं होगी। ऐसे ही देखिए, मेरी ब्लॉग है, इस पर सिर्फ 5 पोस्ट लिखे हुए थे तो गूगल ने रिजेक्ट कर दिया एडसेंस।